किरतपुर प्रशासन ने तोड़ा मदरसे की बाउंड्री। जनपद बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र का ग्राम भनेड़ा में मदरसे की बाउंड्री को तोड़ने का कोई आदेश न होने के बाद भी प्रशासन ने बाउंड्री तोड़वा दी गई, जबकि मदरसे की जगह का 11 साल से मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ विचाराधीन था। मदरसे के संचालक मुफ्ती नईम ने बताया कि बाउंड्री तोड़वाने के संबंध में हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, बिना किसी नोटिस के ही यह बाउंड्री तोड़वाई गई है। जबकि सौरभ रिस्तोगी व आदिल अजहर का कहना है कि यह आराजी मदरसे की नहीं है, हमारी निजी संपत्ति है, हम मुकदमा जीत चुके हैं। प्राप्त समाचार के अनुसार समीपवर्ती ग्राम भनेड़ा में मदरसा जामिया मजीदिया दावतुल कुरान संचालित है, जिसकी जगह 3.5 बीघा जमीन को लेकर लगभग 11 साल मदरसा संचालक मुफ्ती नईम व सौरभ रिस्तोगी अजहर आदिल का विवाद चल रहा था। मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। कल शाम लगभग 4:30 बजे नायब तहसीलदार पटवारी व पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में JCB लाकर मदरसे की बाउंड्री को तुड़वा दिया गया। इस बात को लेकर जमीन स्वामी मदरसे के संचालक मुफ्ती नईम ने बताया कि मैं मदरसा जामिया मजीदिया दवातुल कुरान चलाता हूँ, जिसमें लड़कियों को शिक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा कि खसरा नंबर 98 यह मदरसे की आराजी है, इसमें हमने बाउंड्री की हुई थी, जिसको लेकर दूसरे पक्ष सौरभ रिस्तोगी व अजहर आदिल अपनी जगह बताकर 11 साल सिविल जज सीनियर सिटीजन बिजनौर में मुकदमा चल रहा है और हमारे पास इस आराजी का बैनामा भी मौजूद है। आज न्यूज चैनल के लिए किरतपुर से रिपोर्ट मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना नईम अहमद कासबी है। मैं इस मदरसे का संचालक हूँ और तकरीबन 20-22 साल से ये मेरी ज़मीन, मेरी खरीदी हुई ज़मीन है। बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी आदेश के इन लोगों ने इस मदरसे का जो है आकर के तोड़फोड़ शुरू कर दी। मैंने काफ़ी कहा कि भाई मुझे कोई नोटिस नहीं आया मेरे पास, या मेरे कोई आदेश वगैरह या किसी तरह का कोई प्रूफ बता दीजिए, कोई मुझे नहीं दिखाया गया। और आते ही बजरिए फोर्स के मेरे मदरसे को तोड़ फोड़ करके भस्म कर दिया गया। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके मदरसे में? मेरे यहाँ तकरीबन 225 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें हाफिज कुरान बनते हैं, आलिम दीन बनते हैं। और एक मुद्दत से खिदमत करता चला रहा हूँ। इस मदरसे से तकरीबन 40 गाँव जुड़े हुए हैं, जो सबका पैसा दान का इसके अंदर लगा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं योगी सरकार से आप? मैं योगी जी से, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है उत्तर प्रदेश के, मैं उनसे इंसाफ मांगता हूँ कि आया हमारे ऐसे मदरसे को जो हम चला रहे हैं एक एक पैसा इकट्ठा करके, बग़ैर किसी नोटिस के और बग़ैर किसी आदेश के इन्होंने आकर के जबरन मेरे मदरसे को तोड़ फोड़ करके बिस्मार कर दिया।